नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बिजली के उत्पादन को लेकर। देश भर में बिजली के उत्पादन में बिहार अगली पंक्ति में खड़ा हो गया है। बता दें कि बिहार बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस स्टेट बन गया है। अब बिहार दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है। बिहार अब इससे भी पैसे कमाने लगा है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि बिहार में बिजली सस्ती हो सकती है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं पर टैरिफ का अधिक भार नहीं पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश की सरकार हर साल करीब प्रदेश में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बिजली बेच रही है। इस कारण से यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में बिजली की दर में कमी हो सकती है। बता दें कि बिहार में केंद्रीय कोटा 7000 मेगावाट से अधिक हो चुका है। इधर बिहार की अधिकतम जरूरत 6500 मेगावाट से आसपास है। इसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के थर्मल पावर, NHPC के हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा एवं विंड पावर प्लांट और औरंगाबाद जिला स्थित नबी नगर बिजली घर से बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है। इन बिजली घरों से शुरू हो जाने के बाद से बिहार सरप्लस पावर स्टेट बन चुका है। इस साल तीनों बिजली घर से प्रदेश को 675 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है। वर्तमान में अगर हम बिहार में बिजली उत्पादन की बात करें तो प्रतिदिन 5000 मेगावाट बिजली की मांग है। ठंडा शुरू होने से पहले बिहार में 4500 मेगावाट बिजली की मांग रही थी, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ गई है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2021 में 16 जुलाई को रात 10 बजे 6627 मेगावाट की मांग पहुंची थी। गर्मियों के दिनों में दिन में कम और रात में बिजली की अधिक खपत होती है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि उपभोक्ता से ज़्यादा बिजली उत्पादन होने पर बेचा जाना स्वाभाविक है। अब प्रदेश में सभी जगहों पर बिजली है। आगे की ज़रूरत को लेकर हमने पूरा रोडमैप तैयार कर रखा है। बिहार अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बची हुई बिजली बाजार में देगा। इससे सूबे की दूसरी ज़रूरतें पूरी होगी। तो ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार की योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में, जिससे कि बिजली का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पनबिजली परियोजना के बारे में। इससे जो है बिजली 753 मेगावाट का उत्पादन होता है। अगर हम इसके क्षेत्र के हिसाब से देखें तो रंगीत एक जगह है जहां पे 21 मेगावाट, तीस्ता में 108 मेगावाट, चुपसा में 99 मेगावाट, ताला में 260 मेगावाट और मांग डेचू में 265 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगर हम बात कर लें NTPC के बिजली घरों से कितना उत्पादन होता है, तो यहाँ पर 5261 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें नवी नगर में 1048 मेगावाट, तालचर में 427 मेगावाट, कहलगांव में 424 मेगावाट, बरौनी में 610 मेगावाट, कांटी में 292 मेगावाट, बाढ़ स्टेज 2 में 1188 मेगावाट, उसी का जो है दूसरा फेज, अगर हम फेज 1 की बात करें तो यहाँ 401 मेगावाट, फरक्का में 636 मेगावाट, रेल बिजली जो है 75 मेगावाट, दरली पाला में 160 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन होता है। अगर हम बिहार सेंट्रल कोटा की बात करें तो यहाँ से 6741 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें कि थर्मल पावर में 5261 मेगावाट, पनबिजली के तहत 753 मेगावाट, सौर ऊर्जा से 638 मेगावाट और पनबिजली से जो है 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बिहार सरकार की अगर हम एक और योजना की बात कर लें तो उसमें सौर ऊर्जा को लेकर जो है बिहार सरकार लगातार उत्पादन की बात करता है, बिजली उत्पादन की बात कर रहा है। इस कड़ी में देखना है कि सौर ऊर्जा को लेकर बिहार सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ नया कर पाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।